सर हमको पैसे ख़त्म हो गए आज, बटवे में है नहीं, तो आज आपको भाईचारा करना पड़ेगा। बिकॉज आई लव यू, थैंक यू। ये हमारा रहा पुराना इंजन, इसको हम चुपके बाहर सुटेंगे, चुपके। चलो भाई, इस इंजन को तो पर सुटो, इसके बाद हमारा नया इंजन वहाँ से ना सुटो, आप वहाँ कहीं से, और यहाँ बैठ के हम चील फरमा रहे हैं, चील। विद इन 45 मिनट्स हमारा पूरा इंजन उठा के बाहर इन्होंने निकाल के सूट दिया है, और ये हमारे इंजन बे के अंदर की सूरत हाल है, और इस टाइम यहाँ पर उसके इंजन माउंटिंग उतारे जा रहे हैं, क्योंकि सेम इंजन माउंटिंग हमारे नए इंजन के अंदर यूज़ होंगे, दैट्स व्हाई। और अब इसके बाद इंतज़ार है। फाइनली हेयर बिकम्स आवर न्यू इंजन, जो कि अब हमारी गाड़ी की तरफ दवा दवा है। इसके बाद उसमें पीच होगा, पीच इसकी वायरिंग वगैरह ऑलरेडी पहुँच चुकी है। अब इंजन की, न्यू इंजन, वेरी नाइस इंजन, ब्यूटीफुल इंजन, आई लाइक दिस इंजन, ये मेरी पसंद का इंजन है। मैं इस इंजन को टाइम की सूरत हाल पर हैं, तो इस टाइम हो चुके हैं 5:04, और माशाल्लाह से हमारी गाड़ी के अंदर हमारा इंजन कंप्लीट फिट हो गया, और इस टाइम सिर्फ उसकी वायरिंग आने का वेट है, और वायरिंग आ रही है 2 घंटे तक। क्या बंदे हैं यार, इन्होंने विद इन लाइक अराउंड 6 से 7 घंटे में पुराना इंजन निकाल के नया इंजन डाल दिया, वायरिंग कर दी, ईच एंड एवरी सिंगल थिंग इज़ लिटरली डन। दे आर अमेजिंग, ही इज़ इलेक्ट्रिशियन, आई लव हिम, वेरी गुड स्पीड। चेक दिस रोर, चेक दिस, बाय द वे अभी मैनिफोल्ड उतरा हुआ है, उसकी रो रही है। इंजन का दीदार भी करवाते हैं और सारी डिटेल शेयर करते हैं, भाई कौन सा इंजन है, वेट फॉर इट, योर कार इज ओके फ्रॉम आवर साइड, या गुड गुड। ये जो अभी तक आवाज़ थी, ये थी हमारे मैनिफोल्ड की, और इस टाइम हमारे मैनिफोल्ड हमारे इंजन के साथ लिंक हो रहा है, उसके लिए सारी तैयारियाँ चल रही हैं। इंजन की स्टोरी तो हमने दुल्ला अभी तक सुनाई नहीं है यार। फाइनली गाड़ी को टेस्ट करने के लिए हम पहुंच गए हैं मरी की तरफ, मरी की ओर, और आपको सूते हाल दिखाते चलें। चेक दिस न्यू क्लस्टर मैन, व्हाट द फक ब्रो, चेक दिस क्लस्टर, ये देख, ओए होए, आए हाय हाय, ओ ये वेरी नाइस, ओनली 45,000 किलोमीटर ड्रिवन। यार ये भाई साहब ने बताया कि मेहनत कर हसद ना कर, तो हम इनको फ़ोन करके बता देंगे, हमें थोड़ा सा रास्ता देना यार, फ़ोन ला यार। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? हाँ जी, क्या हाल है सर आपका, क्या हाल है आपका, आपका क्या हाल है? हेलो हेलो, आपको कुछ 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 दिखाते हैं, कुछ कुछ। अच्छा, पहला गेट, oh my god, fucking crazy,
सक्सेसफुली गाड़ी का तो इंजन हमने बहुत चेक कर लिया है, गाड़ी के हमने क्या क्या मंडे मारे हैं, ओवरऑल हर चीज़ हमने चेक कर लिया, और अब बारी आती है हमें हमारी चेक होने की। वेलकम टू मीर अंजानी ट्रैक। शाम के टाइम यहाँ पर कोई ट्रैक करने नहीं आता, लेकिन लेकिन हम आया। ये कुछ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर कि यहाँ पर आपने कैसे सरवाइव करना है अगर चीता वगैरह आ जाए। उन्होंने कहा शाम के टाइम जंगल के रुख ना करें, हम जाए जंगल के टाइम में, मजा आने वाला, यही तो मजा है। और फाइनली हमारे रास्ते का आगाज हो गया। एक छतरी, एक पानी की बोतल बस, और टॉफीज, और कुछ नहीं है। अब हमारा इंजन चेक होगा जो कि ऑलमोस्ट फेल है। टॉप तक चल 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 जो गिर गया और मैं ना गिर गया। अंधेरा होता जा रहा है और रास्ता मुश्किल से मुश्किल तरीन होता जा रहा है भाई, हम वापस नहीं आ सकते। फाइनली हमने आदर्शा कर लिया। निशानी ये है कि यहाँ पर पानी है थोड़ा सा, तालाब टाइप, इसका मतलब है कि आप आदर्शा कर चुके हो। अभी आदर्शा स्टिल रहता है। बिल्ला कैसा फील हो रहा है? आई ओके? गुड, बी ओके। गाइस सीन बैड हो गया, हम दो पीछे रह गए थे और एक हमारा लौंडा, सीरियसली नहीं मिल रहा। अगर ये पैगाम हम इनके घर वाले सुन रहे हैं, अगर उन तक पहुंच पाए, वी आर सॉरी। फाइनली हम उस पीक पे पहुंच गए हैं जहां कर पहुंचना था, और हमारे पास एक लाइटर है जिसके अंदर एक लाइट है। इस लाइट ने हमारी बहुत हेल्प किया। हमने कुछ लकड़ियां इकट्ठी की इधर उधर से, और अब हम लकड़ियां अलहदा कर रहे हैं, पतली पतली टहनियां, जिसमें टक-टक की आवाज आ रही है ना, वो निकालो बस। और हम उसको जला के, हमारे पास सोने के लिए एक शीट किसी ने लाके बंदे ने बिछाई थी, और अब पूरा सामान है हमारे पास, कुछ भी नहीं है, ना खाने को पीने को है, और लकड़ियाँ हम जला के, हम सब के पास हाफ स्लीव्स हैं। इसके बादल ज़्यादा करीब आते जा रहे हैं, और आप देख सकते हैं कितनी ज़्यादा धुंध है। तो अपनी साइड से ज़्यादा हवा, बिल्ला की साइड से यार मर जाएगी क्या? बदल नहीं देखा, खराब से खराब तो होती जा रही है। हमें टाइम क्या हुआ, बच गए हैं। हमारे भाई की तो बिल्कुल ज़्यादा ख़राब थी, वो फिलहाल हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हैं किसी न किसी तरह। मीर अंजानी हेल्पलाइन, यहाँ से कहीं जाने का रास्ता नहीं है, कोई हेल्पलाइन अगर हो तो पहुँच सकती है। ये मीर अंजानी के टॉप पे नथिया गली के पास है, जो ट्रैक है ऊपर कैंपिंग का। यहाँ पे बारिश शुरू हो गई है, कैंपिंग करना है। मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है, और मेरे साथ दो और दोस्त हैं मेरे, वो नॉर्मल हैं, उनको कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी तबीयत काफ़ी ख़राब है। और यहाँ पे कोई रास्ता नहीं है नीचे जाने का, धुंध है सारी, और समझ नहीं आ रही क्या करें। हाँ जी, हाँ जी, कितनी देर लग जाएगी उनको? अच्छा, तो तकरीबन कोई आपको एस्टिमेट पता है कितनी देर तक आ जाएंगे? राइट ना, इतनी ठंड है और सामने से हवा आ रही है, कुछ भी नहीं है, हाफ सीजन लौंडा बैठा है, ठंड रोकने के लिए, हवा रोकने के लिए उसने छतरी खोल ली है। We are really fine. ये लौंडा में से टूट के बैठा है, जाके इसको ठंड ना करे। भाई जान कल आपको क्या हो रहा था? मारा बहुत टाइट बहुत सिस्टम था, ठंड लगा गई थी, और
भूख भी लग रही है ऐसे जिस तरह अभी काम पर पूरा वाइब्रेटर बन गया यही सिस्टम। और यार हम भाई से पूछते हैं कि इससे पहले आज तक जिस तरह हम गए हैं भाईजान इस तरह अभी तक कोई गया है विदाउट कैंप बगैर फुल स्लीव शर्ट्स के बगैर खाने के इस तरह तो अभी तक कोई नहीं गया फर्स्ट टाइम और पूरी रात रुके हैं बारिश